हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 ईवीएस मैप्स एंड डायरेक्शन। वर्ड मीनिंग एमएमपी मैप। मैप मींस मानचित्र। डायरेक्शन DIRECTION डायरेक्शन मींस दिशा। AVIGHBOUR नेबर। HOOD नेबरहुड मींस पड़ोस। SYMBOL सिंबल मींस संकेत। SCALE स्केल मींस पैमाना। TRAVEL ट्रेवल मींस यात्रा। SYMBOL सिंबल मींस संकेत। RELATIONL SHIP रिलेशनशिप मींस संबंध। DISTANCE डिस्टेंस मींस दूरी। DIFFERENT डिफरेंट मींस विभिन्न। WATER BODY वाटर बॉडी मींस जल स्रोत। When we visit a new place, we either ask people for directions or check a route map to guide us. जब हम लोग नए जगह पर जाते हैं तो हम लोग किसी व्यक्ति से, हम लोगों से पूछते हैं दिशा या रूट मैप के बारे में जहां जाना है। इट इज इजी टू लोकेट डिफरेंट प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ ए मैप। मानचित्र के सहायता से किसी भी जगह को के बारे में बताना आसान होता है। मानचित्र के द्वारा किसी भी जगह का लोकेशन बताना आसान होता है। ए मैप इज ए ड्रॉइंग ऑफ एन एरिया ऑन ए फ्लैट सरफेस सच एज पेपर व्हिच शोज द लोकेशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस यूजिंग सिंबल्स डायरेक्शंस एंड ए स्केल। मैप एक ड्राइंग है जो समतल सरफेस यानी पेपर पे बनाया जाता है, जो विभिन्न जगहों के लोकेशन के बारे में संकेत, दिशा और पैमाने के द्वारा बताता है। A scale on a map represents the relationship between the distance on the map and the ground. A scale map पे scale दूरी और जमीन की दूरी में relation बताता है। Different signs and symbols are used in a map to show different landforms. वाटर बॉडीज एंड प्लेसेस सच एज टेम्पल्स चर्च ट्रीज रिवर्स एंड रोड्स। विभिन्न संकेतों एवं चिन्हों के द्वारा विभिन्न चीजों को सूचित किया जाता है, जैसे वाटर बॉडीज कोई जगह जैसे मंदिर, चर्च, ट्री, नदी और रोड्स। These symbols can be of different colors. ये संकेत अलग अलग रंगों के होते हैं। Direction play a major role in helping us lead a map. दिशा हम लोगों को मैप को पढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका, हम लोगों के मैप को दिशा हम लोगों के द्वारा मैप के पढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। द मेन डायरेक्शन शोन ऑन ए मैप आर नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। नक्शा में दिशाएं नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट रहती है, उसी दिशा को नक्शा में बताया जाता है। मैप में ऊपर के
डायरेक्शन में, नॉर्थ होता है उसके जस्ट नीचे साउथ, ईस्ट और वेस्ट होता है। ऐसे डायरेक्शन अनंत होता है। अगर हम लोग ऐसे एक लाइन खींचे तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट होगा, यहाँ पर वेस्ट साउथ होगा, साउथ वेस्ट होगा। अगर इधर से भी एक लाइन खींच दें तो ए नॉर्थ वेस्ट होगा और ए साउथ ईस्ट होगा। अगर एक लाइन और भी खींचेंगे, अगर ऐसे एक लाइन और खींचते हैं तो ये हो जाएगा साउथ वेस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट ईस्ट, यही डायरेक्शन अनंत होता है। लेकिन हम लोगों को मेनली चार डायरेक्शन पढ़ना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट।